नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील महाजन फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो है एंसिस पे। एंसिस पे हमने प्रीवियस सेशन में स्केचिंग के ऊपर वर्किंग करी थी और मॉडलिंग के ऊपर वर्किंग करी थी। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक फर्दर एक न्यू स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, दैट इज एनालिसिस। सो इसमें हम एक एनालिसिस यानी सिमुलेशन रन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या लोड डिफॉर्मेशंस आती हैं। आज के दोस्तों इस वीडियो सेशन में मैं एक कैंटिलीवर का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। कैंटिलीवर को मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कैंटिलीवर बीम ली एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की और उसके ऊपर मैं UDL लगाऊंगा यानी फोर्स लगाऊंगा। उसके बाद जो डिफॉर्मेशन आएंगी इनमें कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे इसका फर्दर स्ट्रेस डायग्राम क्रिएट करनी है, कैसे इसकी फर्दर डिफॉर्मेशन डायग्राम आती है, वो आज हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंसिस में जो हमारा अभी जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्टैटिक स्ट्रक्चर यानी स्टैटिक स्टेट में पड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर, तो हम उस पर वर्किंग करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो हियर आई हैव स्टार्टेड एंसिस, आप देख सकते हैं। So, यहां पर ये देखिए। सो जैसा मैंने आप सभी को बोला स्टैटिक स्ट्रक्चर पे वर्किंग करनी है, तो स्टैटिक स्ट्रक्चर में डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। नॉर्मली हमने ये पहले ही वर्किंग कर चुके हैं ऑलरेडी। जो यूजर अभी आज की इस वीडियो के लिए नए हैं वो एक बार हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको इसमें एक बेस आपका क्लियर हो जाएगा, वो क्लैरिटी आ जाएगी कि हम एक्चुअल में करने के जा रहे हैं। सो ये स्टैटिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री पे डबल क्लिक करके यस हम एक स्वीक रेक्टेंगुलर बीम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बीम, ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर। डिजाइन मॉडलर क्या होता है कि जिसमें हमारे मॉडल बनते हैं। देखिए उसका नाम ही यही है, डिजाइन मीन्स कुछ एक न्यू बनाना, मॉडलर मीन्स मॉडल क्रिएट करना। तो ये अभी डिजाइन मॉडलर हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये भी इन प्रोसेस में है डिजाइन मॉडलर एंड विद इन नो टाइम ये भी ओपन अप हो जाएगा। यस ये देखिए फ्रेंड्स ये ओपन हो गया। तो नॉर्मली हमने स्केचिंग भी कर ली है, डिमेंशनिंग भी कर ली है, कंस्ट्रेंट्स भी लगा ली हैं, मॉडलिंग भी कर ली है। अब हम करेंगे एनालिसिस का पार्ट आज की वीडियो में। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रेक्टेंगुलर बीम सेलेक्ट करी, सिंपल एक्सट्रूड करके इसको वॉल्यूम अप दिया। ये देखिए यहाँ मेरी ये बीम बन गई। अब यहां क्लोज कर देना, इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है क्लोज करने पे। देखिए क्लोज हो गया, ज्योमेट्री यहां टिक लग गया है। अब मॉडल पे जाएंगे, यहां मॉडल पे जाके ये आपका है सिमुलेशन एंड एनालिसिस चेंबर। तो मॉडल पे डबल क्लिक करके सो इसकी मैकेनिकल टेम्पलेट ओपन अप हो रही है एंड ये ओपन होगी। अभी इसमें सारी प्रोसेसिंग इनबिल्ट हो जाएंगी। यस सो विद इन नो टाइम इसमें हमारा मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। यस ये देखिए ये अटैच स्टेटस ओवरऑल प्रोग्रेस हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग होके ये इंक्लूड अब हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहां हमारी कैंटिलीवर बीम इंसर्ट हो गई है। अब ये तो है हमारा इसमें इसका फर्स्ट स्टेप एनालिसिस सिमुलेशन कंडक्ट करने का। अब इसके बाद के जो स्टेप है वो कैसे कैरीड आउट करने है वो है। तो देख रहे हैं हम सबसे पहले इसमें मैश, यहां मैश पे राइट क्लिक करके, यहां मैश पे राइट क्लिक करके एक ज्योमेट्री इसमें ओपन अप हो जाएगी। देखिए सो यहां जनरेट मैश करेंगे और इसमें मैशिंग क्रिएट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। अब स्टैटिक स्ट्रक्चर में जाके देखिए यहाँ पर एनालिसिस सेटिंग है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, दो चीजें लेके आनी है, पहला सपोर्ट दूसरा लोड। तो इंसर्ट में जाके
यहाँ पर फिक्स पोर्ट, क्योंकि जैसा मैंने बोला था ये कैंटिलीवर बीम है तो ये एक साइड से फिक्स होएगी। सो पहले यहाँ फेस पे क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, हो गया। उसके बाद यहीं इंसर्ट पे जाके फोर्स, सो यहाँ पर फेस सेलेक्ट किया से 160 न्यूटन कि मैं इस पे मैंने फोर्स लगाई है। अब जो इसकी जो डायरेक्शन है वो मुझे ऊपर नहीं नीचे लेके आनी है, इस फेस पे एक्ट करनी है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। बस डैट्स इट। अब स्टैटिक स्ट्रक्चर पे राइट क्लिक करके सॉल्व करिए। सो यहाँ सॉल्व का ऑप्शन है, सॉल्व पे क्लिक करेंगे और अब ये इसमें कैलकुलेशन शुरू हो गई है। देखिए सो ये अभी एंसिस वर्क बेंच कैंटिलीवर की लोड फॉर्मेशन की कैलकुलेशन कर रहा है। सॉल्विंग द मैथमेटिकल मॉडल, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है ये, एंड ये हो गया। देखिए अब सॉल्यूशंस में जाके ना, इंसर्ट में जाके ये देखिए, यहाँ पर आपके स्ट्रेसेस के कुछ डायग्राम्स आए हैं, ये रिजल्ट्स हैं, ऊपर भी इनकी ही प्रोसेस है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रेस में गए, मुझे स्ट्रेस में जाके स्ट्रेस की डायग्राम देखनी होती है, जैसे डेट इज कंटूर डायग्राम, कंटूर स्ट्रेस डायग्राम। तो जैसे मैं चाहता हूँ मुझे इक्विलेंट वॉन मिसिस की थ्योरी का एक डायग्राम देखने का, क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक करके इवेल्यूएट करेंगे एंड अब ये देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी बीम यहाँ पर जो उसकी जो लोड स्ट्रेस स्ट्रेस फटीक है वो सारा इसमें शो हो रहा है। इसके आप एनिमेशन भी रन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। सो ये था फ्रेंड हम आज का हमारा एक सेशन कि कैसे हमने इसमें एनालिसिस को रन करना है। नेक्स्ट सेशन में इससे और आगे हम एडवांस करेंगे, एक वॉल ब्रैकेट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसको एक साइड से फिक्स करेंगे, प्लस उसकी बॉडी के ऊपर हम लोड लगाएंगे, तो जो उसके जो पिवटेड होल्स होते हैं उन पे भी लोड लगाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड इतना ही। मैं स्वयं महाजन फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ढेर सारा उसमें शेयर करिए अपने फ्रेंड जोन में, अपने कोलीग्स में, अपने नोन में। एंड आपके फीडबैक्स एंड कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सो प्लीज़ कीप शेयरिंग विद अस सो दैट वी कैन अपडेट विद रिस्पेक्ट टू योर कमेंट्स, क्योंकि आप ही की ही फीडबैक से ही हम आगे फर्दर इसमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे हम इसमें वीडियोस आगे अपलोड कर पाएंगे। इससे हमें एक एक पावर मिलेगी करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।